नवरात्र स्पेशल सीरीज़ में हम आपके साथ समा के चावल की खीर की रेसिपी शेयर करेंगे। इस खीर में हमने दूध का इस्तेमाल तो किया है, पर गाय के दूध का नहीं। खीर बनाने के लिए ले रहे हैं हम 50 ग्राम समा के चावल, कुछ कटा हुआ नारियल, एक कटोरी खजूर जिसके बीज हमने निकाल लिए हैं, एक बड़ा चम्मच किशमिश, एक बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ बादाम, एक चम्मच काजू, एक बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ पिस्ता, एक छोटा चम्मच इलायची पाउडर, एक बड़ा चम्मच नारियल का तेल, थोड़ा सा केसर जिसे हमने पानी में भिगो के रखा है, आधा किलो दूध जिसमें हमने आधा बादाम और आधा काजू का दूध लिया है। मीडियम सेक पर हम कढ़ाई को गर्म कर लेंगे और उसमें नारियल तेल डाल लेंगे। समा के चावल को हम लगभग 1 से 2 मिनट के लिए उस तेल में भून लेंगे। उसके बाद हम इसमें दूध डाल लेंगे और सेक को हल्का कर लेंगे। इसको लगभग 7 से 8 मिनट तक के लिए पकाएंगे। जब तक ये खीर पक रही है, चलिए हम खजूर की पेस्ट रेडी कर लेते हैं। एक ब्लेंडर में हम खजूर डाल लेंगे और 2 चम्मच दूध के साथ उसकी पेस्ट बना लेंगे। जब खीर गाढ़ी होने लगे तो उसमें इलायची पाउडर, बादाम, काजू, पिस्ता, किशमिश, नारियल और भिगोया हुआ केसर डाल दें। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को मिला लीजिए और खीर को 1 से 2 मिनट तक के लिए और पका लीजिए। जब खीर गाढ़ी हो जाए तो उसमें तैयार की हुई खजूर की पेस्ट अच्छी तरह से मिला लीजिए। और अब ये खीर हो गई है तैयार। आप इसे गर्म या ठंडा भी सर्व कर सकते हैं। आप इसे चाहें तो अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट्स के साथ गार्निश भी कर सकते हैं। आपको अगर हमारी खीर की रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसे बनाना और शेयर करना मत भूलिएगा।